मैथों पूछा गया सी कश्मीर च कोई इदां दा तरीका है कि सारी दुनिया च अमन हो जाए, भाईचारा पैदा हो जाए। मैं क्या हाँ है, कहिंदे की? मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश है, जिहड़ी खुशबू है, जिहड़े चानन है, जिहड़े हुक्मनामे आ, जिहड़े फरामीन हन, वह सारे वर्ल्ड दे कोल पहुँच जाने चाहिए। आर डी एस बेकार हो जूगा, असला बेकार हो जूगा, सारी दुनिया एक दौर दे विच परोई जानी है। तो हुण तुहानू लगता होगा कि इदा होना नहीं। मैं कहना हाँ कि इदा होना है, ये मेरी भविष्यवाणी है कि एक वो दिन आना है कि समूची कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के सामने नतमस्तक होगी। हुण आपां गल सिख दी करदे आ, ते मेरे याद आउंदे ने संत ज्ञानी मस्कीन साहब, ते मेरे याद आउंदे ने संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा, जिस वेले उन्हां कोलों कहा गया कि बई इस धर्म तो सारे धर्म आए, उन्होंने कहा नहीं, मुढ़ला धर्म सिख है, सिख किसी धर्म दे विचों नहीं आया, बल्कि सिख धर्म आप अकाल पुरख वल्लों आया है। यानी जिस वेले बंदा पैदा हुंदा है उस वेले ओ जिज्ञासा और सिख्या नाल लेके धरती दे उत्ते आउंदा है। उस वेले बंदे दे नाल अकल नहीं हुंदी, इश्क हुंदा है। दलील दे तौर ते निक्का जे एक बच्चा है, जिस वेले तुसी उसनों इस तरह करके इशारा करोगे तो उसने तुहाडे वल बहुत गौर नाल वेखना है, इशारा करना है, यानी सिखन दी जिज्ञासा है। इस धरती दे उत्ते जिहड़ा आया है वो सिख आया है। इस्लाम धर्म दे विच दाखला 12 सालां तो बाद हुंदा है। सनातन धर्म तो जिस वेले उसनों जनेऊ दी रस्म की जाती है जा और उन्होंने जड़े जो भी रस्मां हन मुबारक होन सारियां नूं आपो आप दे धर्म, लेकिन सिख पैदा हुंदा है। अज ते सिख जड़ा है नाल पैदा, जब पैदा होया तो सिख होया। सिखां दी बाणी जिन्हां नूं आपां चार मुसलमानां दी बाणी कहिंदे आ, उन्हां दी बाणी दर्ज है, तो पता यह लग्या कि गुलाम हैदर कादरी 12 सालां दी उम्र तो बाद इस्लाम च दाखला लिता, पैदा होंदे ही सिख सी। तां की मैं सिख हाँ कि नहीं हाँ? हुण इश्क जिहड़ा है, इश्क बंदे दे नाल पैदा हुंदा है, अकल बाद च आउंदी है। दलील देन लग्या बड़े बड़े विद्वान स्टेज दे उत्ते रौनक अफरोज ने, वो दलील की है कि अकल बंदे दे नाल पैदा नहीं हुई। बच्चा पैदा हो गया, निक्का जिहा बच्चा है, उस बच्चे दे सामने जे अगर तुसी अग नूं लैके जाओगे, उसनों फड़न की कोशिश करनी है, क्योंकि हजे अकल नहीं है, बच्चा है, पर सिख है, सीखना है, सारी जिंदगी सीखना है। जे अगर तुम सप रखोगे, उन्हें फड़न की कोशिश करनी है, क्योंकि हजे अकल नहीं आई है, इश्क नाल पैदा होया है। जिस वेले ओ बच्चा आप दी माँ तो दूर कर दो तो उन्हें रोना शुरू कर देना है, क्योंकि बंदे की सब तो पहली जड़ी माशूक है वह माँ बा। और जिस वेले वो माँ की गोद च चला जाता है, शांत हो जाता है कि उसनू माँ मिल गई। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाया गया, सूत अपराध करत है जे ते जननी चीत न राखस, रामैया हूं काहे न खंडस है। पर हुण फलसफा किन्ना पुट्ठा ते उल्टा हो गया, कमाल दी गल है। जिस वेले आपां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का संग्रह मानते हाँ, तो प्रगट गुरां की देह मानते हाँ, तो आपां नूं पता लगता है कि चार गुरसिखां दी जिहड़ी बाणी है इहदे विचों भाई साहब भाई सत्ता जी, भाई साहब भाई बलवंडा जी, भाई साहब भाई मरदाना जी, जद वह मुसलमान सिख हो सकते हैं तो गुलाम हैदर कादरी क्यों नहीं? तो मैं कहना कि तुसीं मैनूं सद्या ना करो,
क्योंकि लोगों ने यह समझ लिया है कि मैं उन्होंने रोजगार का शरीक बन गया। सौ अल्लाह दी इन गलों जो अगर तुम मैनू मेरे हाथ के उत्ते एक सोने का पहाड़ रख दे और दूजे हाथ के उत्ते हीरे का पहाड़, जो अगर मैनू ये गल्ला समझ नहीं आउंदियां उदों तक मैं बिल्कुल इदा अलल ऐलान लुक छुप के नहीं, जिहड़ी गल सी मैं करनी सी और करदा।